हेलो एवरीवन, तो यार सीबीएसई टर्म वन को लेकर के अभी जा कर के बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है। आप सभी को पता है कि भाई अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन का मुद्दा है, ये मुद्दा हमारा और धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम जो है एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब पहुंचते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम एग्ज़ाम के करीब पहुंच रहे हैं और भी जाकर के हमारे लिए इशू क्रिएट होता जा रहा है। आप लोगों को यार बैकग्राउंड थोड़ा सा दिख रहा होगा अलग सा, क्योंकि अभी जाकर के यार अभी मैं गाँव में आ रखा हूँ, और वहाँ जाकर के यार अभी आपको कुछ दिनों के लिए यही बैकग्राउंड से वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप सभी के लिए यार जो सीबीएसई है वो क्या कर सकता है, क्या आप सभी का ऑनलाइन का चांस भी है या आपको ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। सभी के यार दिमाग एडमिट कार्ड के लिए भी बहुत दिमाग खराब हो रखा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब से होगा, आपकी डेट तक आपको पता चलने वाली है एग्जाम की। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई इतनी ज़्यादा बुरी हालत है तो सीबीएसई आकर के कुछ बता क्यों नहीं रहा है, ये सारा यार बताने वाला हूँ। लेकिन उस सभी से पहले, अगर आप सब पहली बार आए हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को यार सीबीएसई की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जाकर के यार मैं बात करता हूँ, आप सभी को पता है कि हमारे लिए यार पेटिशंस हो रही हैं, 1 लाख से ऊपर पेटिशंस हो चुकी हैं कि बच्चों का एग्जाम जो है वो यार आप कैंसिल करो। अभी से पहले यार मैं बता देना चाहूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट हो, आप सभी अपने पढ़ाई में अच्छे से बिजी हो रखे होंगे, और करनी भी चाहिए आप सभी को इस टाइम पे पढ़ाई, अगर अभी नहीं करोगे फिर कब करोगे। तो इस पढ़ाई को यार और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ लेकर के आया हूँ। आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप बहुत सारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। उस बैचेस की यार जो डिटेल्स है, यार क्लास 11th के लिए हमारा स्टार्ट हो रहा है फोकस बैच, जो कि यार 15 नवंबर से स्टार्ट है। ये साइंस और कॉमर्स दोनों बच्चों के लिए है। यार क्लास 12th के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन फॉर टर्म 1 स्टार्ट हो रहा है, जो कि यार तीनों के लिए, साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी और ह्यूमैनिटीज के लिए भी है, और ये भी हमारा 15 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो इसके यार कुछ बेनिफिट्स इस तरीके से हैं। यार इसमें आपको यार लाइव 1:1 होमवर्क हेल्प मिलेगा, पर्सनल मेंटर मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, वीकली रिपोर्ट मिलेगी, इन सभी फीचर्स के साथ ही साथ मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर एंड स्पेशल सेशंस, जो कि एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ यार प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ। तो आप सभी भी अगर क्लास 6 से 12 तक में पढ़ते हो तो आपके लिए यार ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप सभी यार इसको खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा कोड TRY10 यूज करो और जा करके यार 10% ऑफ भी जाकर के पालो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा कि आप उस चीज को यार ऑनलाइन में कंडक्ट कराओ, या तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि आप उनको ये चॉइस दे दो, जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है उसको ऑनलाइन की चॉइस दे दो, जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहता है उसको ऑफलाइन का चॉइस दे दो। लेकिन ऐसा जो है सीबीएसई कुछ कर नहीं रहा है, ये पेटिशन में हमने लिखा है, और जाकर के पेटिशन में 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और धरना दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड के केसेस धीरे धीरे करके बढ़ने वाले हैं, और सीबीएसई ने कहा है कि हम लोग तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इसमें सबसे घाटा किसका होगा, बच्चों का घाटा होगा, क्योंकि अगर उस बच्चे को कोविड हो जाता है, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो सीबीएसई क्या इसको लेगा अपने। आपके पेरेंट्स के पास कुछ भी ऐसा आ रहा है जिसपे साइन करने के लिए कह रहे हैं आपको, ये कुछ भी, तो आप सभी को यार उस पर बिल्कुल भी साइन नहीं करना है, ठीक है। आपको कहना ये है कि नहीं, हमारे बच्चे को अगर मान लीजिए कोविड हो जाता है, हमारे बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लोगे, तो वो लोग आपको साफ मना करेंगे, तो बोलेंगे नहीं लोगे तो जा करके हम नहीं साइन करने वाले, क्योंकि आप सभी को जो साइन करवाएंगे ना वो इसलिए करवाएंगे साइन कि वो आपको ये कह देंगे कि भाई आप सभी खुद के जिम्मेदारी हो, ठीक है, आप खुद के जिम्मेदार हो, अगर आपको बच्चे को कुछ भी होगा तो आप जा करके इसको झेलो। तो ये एक बहुत ही बेकार सा चीज़ हो रखा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है, साइन वाइन मत कराना, पेरेंट्स को बता देना। कुछ के पेरेंट्स मान जाते हैं, कुछ के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए यार आप सभी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, जो भी प्रिपरेशन हो सकती है, ना होने से अच्छा तो कुछ तो हो जाएगा। अभी जाकर के आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का है, ठीक है, 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, कुछ बच्चों के लिए कम होंगे, 15 ही दिन होगा, 20 दिन होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के यार 1 मंथ का अभी अप्रॉक्सीमेटली टाइम मिल चुका है। तो आप सभी यार पढ़ाई को अपनी अच्छे से चलाते रहो, क्योंकि मान लो यार 10 चैप्टर थे, आपके 5 ही कंप्लीट हुए, कुछ तो पेपर में कर सकते हो, इसीलिए यार कुछ ना कुछ तैयारी करते रहो। यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कुछ भी अपडेट आएगी तो इस चैनल पे ऑथेंटिकली डल जाती है, जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।